वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग भी ठीक होंगे और हम भी आपकी दुआओं के साथ। आप सब ने इतनी ज्यादा दुआएं की तो मैंने कहा मैं आपका एक दफा फिर शुक्रिया अदा कर दूं। बहुत ज्यादा बहुत आप लोगों ने दुआएं की, रेमेडीज बताई और सब कुछ, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शादी के लिए तैयार हो गए हैं तो मैंने कहा जाने से पहले मैं वहां पे पता नहीं गहमा गहमी में आपको भूल जाऊं, फिर आप लोगों का होता है कि ये क्या वो कर। तो ये वही ड्रेस है जो मुझे बहीरा ने भेजा था यूके से, और आप उनकी web.com है उनका, और इंस्टाग्राम पे बहीरा है, आप जाके उसको जरूर चेक करें। वैसे मैं इसकी डिटेल जब पोस्ट करूंगी अपने इंस्टाग्राम पे तो जरूर बताऊंगी। तो आप देखें कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है। पंजाबी शादी है तो लाहौर में है, तो पंजाबी लुक मैंने दिया है, तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सैंडल मेरे वही है जो मैंने पहले पिछली दफा खरीदे थे मिर्पू खास से, वही सैंडल है। ज्वेलरी मेरी सारी वहीं की है जो कुछ उजैर ने बनाई है, कुछ उसामा ने बनाई है, और ये तो खैर आर्टिफिशियल है मेरे पास पहने हुए। और आप बताइए कि आपको मेरा लुक कैसा रहा। अब आप जाके देखें गेट रेडी और वेडिंग का रिसेप्शन। जी हम यहाँ पहुंच गए हैं हॉल में, तो देखें कितना खूबसूरत है माशाल्लाह, ये ऑलरेडी कितना खूबसूरत बना है माशाल्लाह, अंदर से भी इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगा अंदर। चले हम अंदर आ गए, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे अंदर डिफरेंट हॉल्स हैं, यहाँ पे एक हॉल नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट हॉल है। और यहाँ पे ये देखें म्यूजिशियन हो रहा है। जैद आप अपना व्लॉग बना रहे हैं, आप ठीक है? क्यों आप क्यों ठीक है? अच्छा वो मास्क नहीं लगाया मैंने। जैद अंदर आ गए और हॉल इतना खूबसूरत है कि मतलब वो क्या कहते हैं जैद उसको, क्या फीलिंग आ रही है पूरी, जो रॉयल टाइप का जैसे कोई रॉयल वेडिंग है जैसे ना। जैसे आप ये देखें ना यहाँ से उधर, इसको देखें इसका रूम, हाँ यहाँ दिखाते हैं आप देखें कि कितना खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने। ये बंदा सोचे कि मैं मतलब मैं किसी ड्रीम में हूँ। ये देखें पाकिस्तान की लग्जरी शादियाँ ऐसी होती हैं। ये देखें ये, और ये आज इनका वलीमा है। और फाइनली मुझे खुशी हो रही है कि हमने आ गए हम लोग, अदरवाइज बीमारी के उसमें अगर हम आ ना सकते ना। बहुत ही खूबसूरत यानी इसकी डेकोरेशन है, बड़ा मज़ा आया देख के, और वर्थ करता है आना भी। इतनी दूर से हम आए, बीमार हो गए, लेकिन शुक्र अल्लाह का मेहमान अभी आने शुरू हो गए हैं। टाइम पे यहाँ पे सब कुछ होता है ना, पंजाब का लाहौर का ये है तो कि पंजाब में सब चीज़ें टाइम पे होती हैं, सिंध की तरह नहीं है कि जब बेटा में आओ बेटा में शुरू। मेरा ख्याल जैद वहाँ पर ब्लॉगिंग कर रहे हैं अपनी, मुझे तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहाँ घूमते फिर रहे हैं, मास्क उतार दें, मास्क उतार दें। कोई नहीं यहाँ पे मास्क, सब आपको देख रहे हो और कौन से देख रहे हैं। मुझे खांसी का पता भी नहीं चलता कब शुरू हो जाता है। वैसे तो अल्लाह शुक्र है हम ठीक है, हम उतार दें। बहुत ठीक है अभी तो ये बैठे हुए, वरना वही तो मैं कह रही हूँ आप उतार दें, किसी ने भी नहीं लगाया हुआ। तो जो वेटर सैरा वगैरह सब उनके फिर भी लगे हुए हैं, किसी ने नहीं लगाया, सारे कुएं में कूदेंगे मैं भी कूद जाऊं। और दूसरी बात ये कि मुझसे लोगों को अब रिस्क है ना, मतलब मैं तो अपने आप को कवर करके रखूं। सही, शुक्र अल्लाह का बहुत बेहतरी है लगी हुई है इस वक्त, खूब ब्रश लगी हुई है क्योंकि दुल्हन वाले आए हैं। मेरे पास दुल्हन वाले आए हैं तो रिसीव करने के लिए वो सब तस्वीरें लेने के लिए, जैद अपना व्लॉग बनाने के लिए गए हैं वहाँ पे। और दुल्हन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और उसका ड्रेस भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। हो सकेगा तो मैं आपको करीब से दिखाऊँगी, लेकिन अभी तो इतना देखें फोकस करने की कोशिश कर रही है इसे बैठे बैठे। बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत खूबसूरत। दुल्हन अगर आपको नज़र आ रहे हो ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह इनकी कामयाब ज़िंदगी गुजारे, अल्लाह करेंगे हम मेरी और जैद की पूरी दुआएं इनके साथ। अच्छा प्यारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, किस्मत अच्छी करेगा। खाना खुल गया, सबसे पहले खाना खाएं उसके बाद में देखेंगे दूल्हा दुल्हन को। सही है, रिकॉर्ड करते जाएंगे देखेंगे क्या रिकॉर्ड हो सकता है क्या नहीं। रश लगी हुई है इस वक्त, आपको पता सबको भूख लगी हुई है। आप सही रहे यहाँ पे आके, आपने आराम से ले लिया और मैं वहाँ पे लाइन में लगी रही। अच्छा क्या चीज़ और चाहिए? अच्छा नान एक्स्ट्रा ले लें और थोड़ा है ना बस। नहीं नान मैंने बस ये, चावल तो आप नहीं खाते ना, चावल नहीं खाए? कुछ नहीं अपने कहो, मना इस टाइम पे मना नहीं करूँगा। चलो आ जाए, क्या सेट करना उनको पता ही है कि क्या हो रहा है, शोर हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है, पता नहीं आपको आवाज़ जाएगी कि नहीं जाएगी।
तो खाना बहुत इजीली मिल गया। जैद अलग से आगे चले गए तो और ज़्यादा इजी मिल गया। मैंने जैद से मना भी किया, चावल नहीं लेकिन मिल गया, खाना ज़बरदस्त बना वो, टेस्ट भी आ रहा है ऐसा। आपको नहीं आ रहा? आ रहा फिर हो रहा टेस्ट आज। कबाब है, मैंने कोरमा लिया है, नान है, अब हम खाएंगे। और आपने क्या खाया खाने में कमेंट करके बताएं, आप लोग जल्दी से जाएं कमेंट करें। और शादी इंजॉय की कि नहीं, इस तरह के फंक्शन अगर होते रहे, अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो हम बनाते रहेंगे। प्लीज एड लाएँ ना, कोई नहीं, वो पानी दे रहे हैं, मैंने कहा चलो लाने के साथ नहीं, कोक और स्प्राइट वगैरह पड़ी है, पर आप नहीं, 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 बिल्कुल मेरा फेवरेट पानी होता है, चाहे जो मर्जी खा लो पानी। मैं भी नहीं कोक बिल्कुल, मैं से गले को लग गई तो फिर यहाँ आंधी अगर शुरू हो गई तो निकलना जाना ऑलमोस्ट बाइंडिंग की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे 10 बजे हॉल बंद हो जाते हैं, दूल्हा दूल्हा निकले ना निकले लाइटें ऑफ हो जाए, जल्दी खाए और निकले यहाँ से। तो मीठा खा रहे हैं हम, हलवा है गाजर, तो जैद लेकर आए हैं चाय, चाय का टाइम हो गया, मीठा हमने खा लिया, हलवा बहुत मज़ेदार था, पिंक चाय, ये पिंक चाय है, यहाँ पे कश्मीरी चाय है ज़बरदस्त किस्म की, तो मीठे के बाद खाने के बाद इसका मज़ा आ जाएगा, और इसके बाद फिर हम आपको खुदाफिस करेंगे, आपको खुदाफिस करेंगे, और इंशाल्लाह रिश्ते में मुलाकात होगी या कमरे में जाके आपसे मुलाकात, यहाँ से तो होगी या खुदाफिस। वो देखे मैं कह रही थी ना आपको, पियानो बजा रहा है कोई, लाइव बजा रहे हैं वो पियानो, तो जैद ने तो देखा भी नहीं, जैद ने पता नहीं अपने व्लॉग में क्या किया आज, लाइव म्यूज़िक चल रहा है यहाँ पे, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बजा रहे हैं वो, और अब हमारा है गुड नाइट यहाँ से। तो यहाँ पे वैले सिस्टम था, तो जैद ने तो फटाफट गाड़ी उनको पकड़ाई, क्योंकि जैद घबराते हैं आपको पता है पार्किंग से, तो अभी गाड़ी आएगी और फिर उसमें बैठेंगे और जाएँगे।